हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम चल रहे हैं एक नए ब्लॉग में लेके आप लोगों को। तो हम अभी घर से निकल चुके हैं फिलहाल, आज नहान का दिन है और हम चल रहे हैं यहाँ पे बराज नदी एक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है नदी पे, नहान है आज। तो चलिए आपको फिर आज दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है, तो चलिए वहाँ पर मिलते हैं। ठीक, तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं बराज नदी के पास। और ये देखिए ये बाइक यहाँ पर लगाई हुई है, तो चलते हैं वहाँ पे। देखिए मतलब पूरा ये नदी है और पूरा मतलब सूख गई, आगे तक गई है। तो वहाँ पर चल कर दिखाते हैं मतलब कहाँ आगे, मतलब कितना दूर चलना पड़ेगा पैदल। तो यहाँ से लोग पैदल चलने वाले हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है चलने में और क्या मज़ा आएगा चलने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग आ गए यहाँ पर रेता में है अंदर, और ये सब देख सकते हैं पूरा मतलब माटी मतलब पूरा रहता है। और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए। और ये पीछे का मतलब घाट यहाँ पे बना हुआ है नहाने वाने के लिए, मतलब कि इतना पानी सूख गया है कि मतलब आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलते हैं आपको आगे लेके, दिखाते हैं रास्ते में। तो चलिए मिलते हैं फिर वहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पे खेती करने के लिए कितना बढ़िया से ऊंचा ऊंचा बनाया गया है। यहाँ पे खेती करेंगे लोग, तरबूज बोएंगे, लौकी की सब चीज़ बोते हैं। तो यहाँ पे खेती करेंगे लोग नदी में ही, क्योंकि यहाँ पे पानी सूख चुका है दूर दूर तक। यहाँ दूर में मतलब पानी है, और फिर से मतलब इधर पुल की तरफ जाने पर थोड़ा सा इधर पानी है, नहीं तो और आगे जाने पर नदी मिलेगी। तब चलते हैं नदी में लेकर आप लोगों को, अभी आगे आ रहे हैं। तभी फिलहाल हम यहाँ पे आधा एक किलोमीटर अंदर आ चुके हैं नदी के, तो चलिए चलते हैं लेके आपको नदी में। नदी यहाँ से थोड़ा समय वगैरह लंबा भी हो जाएगा, उबला लेंगे तो पहुँच के दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे मतलब 360 डिग्री का एंगल आपको दिखा दे रहे हैं, एक कितना मस्त मतलब यहाँ पे लग रहा है। ये देख सकते हैं फूल है, ये घाट है, चारों तरफ मतलब दूर दूर तक कहीं एकदम वीरान घाट है, देख सकते हैं। जैसे पानी निकल रहा है जो खाने गए हैं लोग मतलब यहाँ पे बोने के लिए बीज बोएंगे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं इसी में मतलब ये लोग बोते हैं, खेती करते हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। तो देखिए समय मतलब पानी है, दूर दूर तो पानी नहीं है लेकिन नीचे से पानी निकला हुआ है यहाँ पे, तो ये नदी का संकेत देते हैं। चले आए हैं नदी के अंदर लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी नहीं है, और मतलब चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर वीरान इलाका पड़ा हुआ है। और आगे मतलब वहाँ कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पर मतलब पानी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मतलब नदी है वहाँ पर। तब चलते हैं वहाँ नदी के पास, आपको दिखाते हैं। फिर भी जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वहाँ पे 360 डिग्री का एंगल आपको दिखा देते हैं चारों तरफ का, यहाँ से देखने में कैसा नज़ारा दिख रहा है। तो देखिए कुछ देखने में नज़ारा ऐसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आगे पुल बन रहा है। घाट है जिससे हम करीब 1.5 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम चलते चलते एकदम थक गए हैं, अभी और आगे जाना है। अभी नदी का मतलब कोई नाम निशान नहीं है, यहाँ देख सकते हैं मतलब चारों तरफ पूरा पूरा मतलब वीरान इलाका है, तो ये देख सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आगे और आपको दिखाते हैं, अकेले हैं। और यहाँ पे मतलब चारों तरफ ये देख सकते हैं मतलब पूरा कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, दूर दूर तक मतलब पानी नहीं है भैया, आप लोग देखिए। और अब चलते हैं आप लोग देखिए, ये देखिए पूरा बंजर पड़ी हुई जमीन यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है कि नदी के मतलब ये रहता है, पूरा एकदम टाइट हो गया माटी यहाँ पर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना दूर पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं नदी में, और यह रहा आगे मतलब नदी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देख सकते हैं ये पूरा लंबा कितना नदी है, और भी चौड़ाई इसकी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, और ये पूरे नदी के ही मतलब क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे पानी सूख चुका है, आप देखिए पूरा मतलब पानी से सूख गया, यहाँ पे रहता ही रहता है, नदी की तरह दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, कहीं पानी का नाम निशान नहीं मिलेगा क्योंकि नदी जो है एकदम किनारे चली आई हुई है सूख के। तो देखते हैं आपको दिखाते हैं, बहुत ही चौड़ी नदी है यहाँ की बराज की, तो
बहुत ही लोग मतलब सुबह में यहाँ पे आए हुए थे तो भीड़ था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही थी वीडियो बनाने में। इसमें मतलब खाली था, आपको नज़ारा दिखने में कुछ इस तरह फील हो रहा होगा। देखिए तो ये देखिए नदी के पास हम आ गए हैं और नदी का कुछ इस तरह से नज़ारा है। और ये देख सकते पानी में कितना खूबसूरत दृश्य बना हुआ है सूर्य का और सूर्योदय, ये देखिए। तो दोस्तों जो ये पीछे ब्रिज दिख रहा है वो 2015 से बन रहा है, अभी तक मतलब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लंबी है, बहुत चौड़ी नदी है और इसे पुल बनाने में बहुत समस्या हो रही है इन लोगों को। तो इसे भी मतलब 2-3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे पूरा भी बन रहा है और कुछ इस तरह से नज़ारा है पीछे का पुल का। तो ये देख सकते हैं कितना लंबा पुल यहाँ बन रहा है, जो बन के तैयार होगा तो काफ़ी मतलब नज़दीकी हो जाएगी, लोगों को जाने आने में सुविधा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।